हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं फिर से एक न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो मैरिड कपल की है जिनमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि डाइवोर्स लेना चाहते हैं। क्या ये एक दूसरे से अलग हो पाएंगे? कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी इनके डाइवोर्स में? इनकी रोमांटिक फाइट कॉमेडी देखने के लिए चलो चलते हैं। ये है हमारी मेन कैरेक्टर जुलू, जो इंटरनेट सेलिब्रिटी है। इंटरनेट की दुनिया से काफ़ी टाइम से गायब है। ये मन में सोचती है कि लूजीजन, तुमने मुझे खुशी दी, तुमने मुझे दुख दिया, मेरी फेरी टेल जैसी लाइफ को जोक बना दिया, मैं भी तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर दूंगी। वो पार्टी में एंट्री करती है तो हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर को बताते हैं लूजीजन, जो CEO है स्ट्राइव ऑफ परफेक्शन का। उसे देखते ही वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है, वो नीचे बैठ जाती है। लूजीजन अपना हाथ देता है उसे उठने के लिए, लेकिन जुलू गुस्से से उसका हाथ हटा देती है और खुद खड़े हो जाती है। जुलू जीजैन से कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। जीजैन कहता है कि तुमने मैरिज में चीटिंग किया, फिर कंट्री छोड़कर चले गई, वो भी बिना बताए, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर 1 ईयर बाद वापस आकर मुझसे डाइवोर्स मांग रही हो ताकि तुम्हें प्रॉपर्टी में शेयर मिल सके और तुम अपने सेलिब्रिटीज को सपोर्ट कर सको। जुलू कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही स्टूपिड हो। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें चीट किया? अगर ऐसे ही लगता है तो डाइवोर्स दे दो, हम एक दूसरे को फ्री कर देते हैं। जीजैन कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, तुम्हें ऐसे ही बांध कर रखूंगा, तुम्हारी फीलिंग के साथ खेलूंगा। तभी वहां पर एक लड़की आती है तो कहता है कि इससे मिलो, ये मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है, कंपनी की स्टीमर है, तुमसे कहीं ज्यादा फेमस है। जुलू कहती है कि अब देखो कौन किसको चीट कर रहा है, और अगर तुम इतना श्योर हो कि मैंने तुम्हें चीट किया है तो डाइवोर्स क्यों नहीं देते, मुझे फ्री कर दो। जीजैन कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, और सबसे कहता है कि फ्रेंड्स, मेरी वाइफ की रिटर्न पार्टी है और एनिवर्सरी है धोखा देने की, कल से ये मेरी वाइफ ही रहेगी, आप सब विटनेस रहेंगे मेरे और मेरी वाइफ के हैप्पी लाइफ के लिए। सुलू गुस्से में जा रही होती है तो पार्टी में से एक लेडी उसे देखकर कहती है कि मिस जू, तुम तो स्टडी के लिए US गई थी, लेकिन तुम्हारी स्किन ऐसी क्यों दिख रही है जैसे तुम अफ्रीका से आई हो। जुलू गुस्से में वाइन के ग्लास उठा लेती है और उस लेडी के फेस पर डाल देती है। वो लेडी कहती है कि ये क्या कर रही हो, तो जुलू कहती है कि इससे स्किन अच्छी हो जाएगी, ग्लो करने लगेगी। तभी वहां पर जीजैन आता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो। जुलू कहती है कि क्यों, तुम्हारा दिल टूट गया, तुम्हारी मिस्ट्रेस को परेशान किया इसलिए। जीजैन कहता है कि तुम बहुत रूड हो गई हो, लेकिन तुम्हारे साथ रहना भी बहुत एक्साइटेड रहेगा। जुलू कहती है फिर एक बार फिर से मेरी रूडनेस देख लो, और जीजैन के असिस्टेंट को चिक्स पर किस करती है और कहती है कि तुम्हारा असिस्टेंट तो बहुत क्यूट है। जीजैन उसे उठाकर ले जाता है। जुलू कहती है कि मुझे नीचे उतारो। जीजैन कहता है कि तुम कितनी एरोगेंट हो गई हो। जुलू कहती है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो कितनी फेक है, कोई डिसेंट गर्लफ्रेंड तो बनाओ। जीजैन कहता है कि भले ही वो डिसेंट नहीं है, लेकिन तुमसे कहीं बेहतर है। जुलू कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे क्लासमेट, तुम्हारे ऑफिस वाले, तुम्हारे होम टाउन वालों के साथ मैं खेलूंगी, वो ही जज करेंगे मैं डिसेंट हूँ या नहीं हूँ। जीजैन गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, कल मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगा। नेक्स्ट डे बताते हैं कि जुलू और जीजैन की प्रॉपर्टी शेयरिंग की बात चल रही होती है कि किसको कितना शेयर मिलेगा, लेकिन जीजैन हर बात में ऑब्जेक्शन ले रहा होता है। और जब बात आती है उनके पेट डॉग ज़ायोबा की, तो जुलू कहती है कि मैंने इसे लाया था तो मैं इसे लूंगी। जीजैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तुम चले गई थी तो मैंने इसे संभाला। जुलू कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जीजैन कहता है कि अगर ज़ायोबा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। उसे याद आता है कि पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, उनकी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी थी। एक साल पहले का बताते हैं, असिस्टेंट का कॉल आता है जीजैन को। वो कहता है कि इंटरनेट पर ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है कि मिस जुलू का अफेयर है सेलिब्रिटी चान चान के साथ, मैंने आपको कुछ फोटो भी भेजे हैं। वो फोटो देखने के बाद जीजैन को बड़ा गुस्सा आता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि चाहे कितना भी पैसा लगे, ये न्यूज को बंद करवाओ। जब जुलू से मिलता है तो कहता है कि सेलिब्रिटी चान चान के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्यों करवाया, कंपनी को कितना लॉस हुआ तुम्हें पता है। जुलू कहती है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करवाती तो रूमर्स बंद कैसे होता, मैं वापस काम पे कैसे आती, ऑफिस में ये गॉसिप बंद कैसे होती। जीजैन कहता है कि अगर तुमने कुछ गलती नहीं की तो डर क्यों रही हो, क्या बात का गिल्ट है। जुलू कहती है कि तुम अब भी मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे, लेकिन जीजैन कोई रिप्लाई नहीं देता तो जुलू चुपचाप वहां से चली जाती है। जीजैन उसी सोच में बैठा होता है तभी जुलू आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन पैसों के लिए फिर भी तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहे। जीजैन कहता है कि मैं नहीं दूंगा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पर्स और बैग के लिए कितने पैसे लगे हैं, तुम्हारी अफेयर की न्यूज छुपाने के लिए कितने पैसे
मैंने दिए हैं और तुमने चैन चैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, एक बार भी सोचा नहीं उसके लिए कितने मेरे पैसे गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास काम कम है और पैसा बहुत ज़्यादा है? जुलू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम डॉग हो, और वहाँ से चले जाती है। जीजन कहता है कि हाँ मैं डॉग हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी वाइफ हो। जुलू जैसे ही घर के बाहर निकलती है, पेपराइज वाले उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि आप मिस्टर लूक को डाइवोर्स दे रही है, आपको दूसरा लवर मिल गया है। जीजन ये सब कुछ देख रहा होता है। जुलू टर्न होकर गैलरी की तरफ देखती है। जीजन जल्दी से छुप जाता है। जुलू स्माइल करती है और वापस जीजन के पास आती है और कहती है कि तुम डाइवोर्स नहीं दे रहे, मैं सोच रही हूँ कि यहीं पर रुक जाओ क्योंकि ये आधा घर मेरा भी है, और अपने टॉप के बटन ओपन करती है। जीजन कहता है कि ये क्या कर रही हो। जुलू उसके करीब आ जाती है और कहती है कि हम साथ रहते हुए क्यों ना फिर से एक बार एक दूसरे से प्यार करने लग जाए। जीजन कहता है कि पागल हो गई हो, लेकिन जुलू उसे लिप्स पर किस करती है और ये पेपराइज वाले उन दोनों की फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। सारे रिपोर्टर्स सरप्राइज हो जाते हैं कि ये दोनों तो डाइवोर्स लेने वाले थे ना। जुलू सबसे कहती है कि मैं न्यू अकाउंट ओपन करने वाली हूँ जिसमें लाइव स्ट्रीम होगा कोलैबिटेशन का। कोलैबिटेशन का मतलब होता है विदाउट मैरिज एक दूसरे के साथ रहना और इंटीमेट होना। वो कहती है कि लाइव स्ट्रीम होगा हमारे बेड का, क्या आप देखना चाहोगे? सारे रिपोर्टर्स हाँ कहते हैं। जुलू कहती है कि इस अकाउंट का नाम होगा कोलैबिटेशन ऑफ चीटिंग कपल। जीजन से कहती है कि जब सब इतना देखना चाहते हैं तो क्यों ना हम ट्राई करें। जीजन उसे पकड़ कर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जुलू कहती है कि ये क्या कर रहे हो। जीजन कहता है कि तुम क्या कर रही हो। जुलू कहती है कि तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहे तो मैं तुम्हें पब्लिकली धोखा दूंगी। जीजन कहता है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। रिपोर्टर्स कहते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। जीजन जुलू का हाथ पकड़ के खड़े हो जाता है। रिपोर्टर्स कहते हैं कि मिस जू एक साल के बाद आई है, इसलिए आप उनके नखरे उठा रहे हैं। जीजन कहता है कि हाँ मुझे एक साल बाद बल्कि अभी पता चला कि ट्रू रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप में सोलमेट होना ज़रूरी है, फिजिकल एक दूसरे से बंधे रहने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर वो किसी और से प्यार करती है फिर भी हम फैमिली हैं। रिपोर्टर्स कहते हैं ये तो गोल्डन लाइन है। जीजन कहता है कि आगे की आप चीटिंग कपल में देख सकते हैं, और जुलू के फोरहेड पे किस करता है। ये है शेन रोजी, जीजन के कंपनी की टॉप स्ट्रीमर। जैसे वो न्यूज़ देखती है जीजन और जुलू के कोलैबिटेशन की, वो जीजन के पास पहुंच जाती है। उसे पूछती है कि ये सब क्या है। जीजन कहता है कि करने दो जो उसे करना है। रोजी कहती है कि इससे कंपनी पर इम्पैक्ट होगा। जीजन कहता है कि अच्छा है, उसे इससे पॉपुलरिटी मिलेगी। रोजी कहती है कि उसके वापस आने से तुम्हारे काम पर इफेक्ट होगा। जीजन कहता है कि नहीं होगा, लेकिन रोजी को ये बात अच्छी नहीं लगती। जीजन को पता चलता है कि उनके कंपनी के पास ही एक न्यू कंपनी ओपन हुई है जिसे जुलू ने इन्वेस्ट किया है। जीजन मन में सोचता है कि ये नहीं रुकेगी। तभी जुलू का कॉल आता है कि नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जीजन जैसे ही नीचे जाता है, जुलू कहती है कि मुझे तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना था, मेरे पुराने लवर से, और वो वैन का डोर ओपन करती है। उसमें से सेलिब्रिटी चैन चैन बाहर निकलता है, जिसे देखकर जीजन को पुरानी फोटोज की याद आती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। चैन चैन जीजन को देखते ही कहता है कि हेलो मिस्टर लू। जुलू कहती है कि मिस्टर लू मत कहो, इनके पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, ये अब एलवी है। जीजन कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम फिर से चीट नहीं करोगी। और जल्दी से अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर लाइव स्ट्रीम ओपन कर देता है और कहता है कि हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी वाइफ जुलू और ये है उसका लवर चैन चैन, जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स है। जुलू फोन अपनी तरफ करके कहती है कि मुझे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है कि सेलिब्रिटी चैन चैन एलवी ज्वाइन करने वाले हैं। आप इन्हें लाइव स्ट्रीम देखोगे तो देखना मत भूलना। चैन चैन परेशान हो रहा होता है। जीजन कहता है कि हाँ एलवी ग्रुप बहुत ही जल्द बैंक्रप्ट हो जाएगी। जुलू कहती है कि हाँ परफेक्ट मैन को सब कुछ पता है, मैं इनके बारे में और भी आपको बातें बताऊंगी। जीजन कहता है कि इसने सेलिब्रिटी चैन चैन को साइन किया है तो इससे कन्फर्म होता है कि इसने मेरे साथ चीट किया है। जुलू कहती है कि तुम्हें कन्फर्म चाहिए, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। और वो चैन चैन को किसी करने वाली होती है तो जीजन उसे पीछे कर देता है और कहता है कि इतने आगे मत बढ़ो। जुलू कहती है कि मैं आगे बढ़ूंगी, अफेयर करूंगी तुम्हारे ऑफिस वालों के साथ, कॉलेज वालों के साथ, होम टाउन वालों के साथ। जीजन कहता है कि तुम कितनी अजीब हो। जुलू कहती है कि अजीब हूं ना तो डाइवोर्स दे दो, और चैन चैन के साथ चले जाती है।
फिर एंट्री होती है MCN कंपनी के CEO हुओ की, जिससे जुलू मिलने के लिए आती है। हुओ कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आते ही तुमने तो हेडलाइन बना दिया। जुलू कहती है कि मैंने जैसे ही चनचन को इंट्रोड्यूस किया जीजन गुस्सा हो गया। हुओ कहता है कि चनचन बहुत एक्सपेंसिव है, उसे हायर करने की क्या ज़रूरत थी, कंपनी के फंड टाइट है। जुलू कहती है कि मुझे पता है लेकिन मेरे पास प्लान है, जैसे ही मेरा डाइवोर्स हो जाएगा मेरे पास फंड आ जाएंगे। वैसे भी जो पहले हुआ वो को इंसिडेंट नहीं था। फिर हमें पहले का बताते हैं कि वो चनचन के साथ ड्रिंक कर रही थी, लेकिन ड्रिंक करते ही अचानक उसे कुछ होने लग गया और जब उसकी नींद खुली वो होटल के रूम में थी और उसका हुलिया भी सही नहीं था। वो कहता है कि तुम अब भी वही बात लेकर बैठी हो। जुलू कहती है कि कुछ बात क्लियर होना ज़रूरी है और वैसे भी तुमने मुझे न्यू लाइफ दी है। वो कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। जुलू कहती है कि सक्सेसफुल रिवेंज के लिए मुझे विश करो। वो कहता है कि वैसे भी तुम फिक्र मत करो, किसी को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। और उसका हाथ पकड़ने जाता है तभी वहाँ पर जीजन आ जाता है और कहता है कि हनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जीजन को देखकर हुओ अपना हाथ पीछे कर लेता है। जीजन धीरे से जुलू से कहता है कि तुम तो बहुत डिमांडिंग हो, एक दिन में 3 मैन से मिल रही हो। जुलू कहती है कि मैं 3 से मिलूं या 10 से मिलूं, तुमसे मतलब। जीजन कहता है कि अगर तुम 100 से भी मिलोगी ना तो तुम मेरी वाइफ हो। और हुओ से कहता है कि तुम वही हो ना जो मेरी वाइफ को 1 साल पहले अब्रॉड लेकर चले गए थे। वो कहता है कि जुलू मेरी फ्रेंड है और वो स्कैंडल में फंस गई थी तो मेरा काम था उसे हेल्प करना। जीजन कहता है कि तुम दूसरों को बहुत हेल्प करते हो। जुलू कहती है कि अगर तुम ठीक से बात नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद करो। जीजन कहता है कि तुमने कहा था कि कोलैबोरेशन मेरे साथ ना ही किसी मैन के साथ। जीजन उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जुलू की रिस्पेक्ट करो। जुलू कहती है कि मैं पहले की तरह नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट करो, मैं कल अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। जीजन कहता है कि हनी मैं तुम्हारा वेट करूंगा और वहां से चले जाता है। जुलू जब अपना सामान पैक कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम सच में जा रही हो। जुलू कहती है कि अगर मैं नहीं गई तो डाइवोर्स कैसे मिलेगा। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। जुलू कहती है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ, अब ये साथ रहना बस एक फेक है। फिर बताते हैं कि जुलू किचन में खाना बना रही होती है तभी जीजन एक लड़की को साथ लेकर आता है और इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड चुन है। जुलू भी चुन के साथ बहुत अच्छे से मिलती है लेकिन उसके पास भी प्लान रेडी होता है। उसने जीजन की मदर को बुलाया होता है। जैसे जीजन अपनी मदर को देखता है सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि मदर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मदर कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ इतने दिनों बाद आई है, मैं उसके हाथ का खाना खाने आई हूँ। जीजन जुलू से कहता है कि तुमने मुझे बिना पूछे कैसे बुलाया। जुलू कहती है कि हाफ प्रॉपर्टी मेरी भी है, यहाँ तक कि वो हाफ राइस भी मेरा है। जीजन कहता है कि मेरा बस चले तो तुम्हें ये राइस भी ना खाने दूं। मदर कहती है कि अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करते। जीजन कहता है कि मदर आप हम दोनों के बीच में मत आओ। और चुन से कहता है कि क्या तुम्हें फिश बनाने आती है। चुन कहती है कि नहीं। जुलू कहती है कि कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगी।